गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 10. द चैप्टर नेम इज डे एंड नाइट एंड सीजन. डे एंड नाइट, दिन और रात, एंड सीजन यानी कि मौसम. रीड. फ्रेंड्स, एवरी डे वी सी द सन राइजिंग एंड सेटिंग. दोस्तों, हम लोग रोज ही देखते हैं सूरज को उगते हुए और अस्त होते हुए. बट टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन इज नॉट सेम एवरी डे. लेकिन क्या होता है कि जो सन होता है उसकी राइजिंग और सेटिंग यानी कि उगना और अस्त होना रोज सेम नहीं होता है. वी हैव प्रिपेयर्ड वेरियस नोट्स इन माई ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट इन जून माई ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इन सेप्टेम्बर, एंड माई ऑब्जर्वेशन इन थर्ड इन दिसंबर. हमको क्या करना है कि हमको ऑब्जर्वेशन करना है और तीन लिस्ट बनाने हैं. कब कब के लिस्ट बनाने हैं? मई मंथ में और सेप्टेम्बर मंथ में एंड दिसंबर मंथ में हमको लिस्ट तैयार करना है. ऑब्जर्वेशन का लिस्ट तैयार करना है सूरज के उगने का और अस्त होने का, कि सूरज कब उगता है और सूरज कब अस्त होता है. ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड नोट ऑफ क्लॉथिंग, वेजिटेबल्स एंड फूड रेसिपीज. और इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमको एक नोट प्रिपेयर करना है, नोट तैयार करना है कि हम कब कैसे कपड़े और वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, फूड कैसे हम खाते हैं, ये हमको एक और नोट तैयार करना है. बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर फिल अप द फॉलोइंग डिटेल्स. नीचे कुछ टेबल दिए गए हैं, उनके बारे में आपको डिटेल नोट करना है, तैयार करना है. टेबल राइट ऑन द बेसिस ऑफ 1, 2, 3. 1, 2, 3 जो आपने ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर टेबल फिलअप करना है. 1 जून मंथ में और 2 नंबर ऑब्जर्वेशन सेप्टेम्बर मंथ में और 3 नंबर ऑब्जर्वेशन दिसंबर मंथ में. ऑब्जर्वेशन डिटेल 1. नोट द टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन. आपको क्या करना है कि सन सेटिंग का टाइम और राइजिंग का टाइम, सूरज उगने का और अस्त होने का टाइम आपको नोट करना है डिटेल 1 में. माई ऑब्जर्वेशन कब? जून मंथ में. माई ऑब्जर्वेशन कब? सेप्टेम्बर मंथ में. माई ऑब्जर्वेशन कब? दिसंबर मंथ में. तो ये आपको खुद से करना है, आपको अपने आप से चेक करना है, ठीक है? राइजिंग टाइम और सेटिंग टाइम हमको चेक करके लिखना है. तो मैंने किया डेट 3/6/2020 को. राइजिंग टाइम क्या था? 5:55 AM. ये आपको अपनी जगह जहाँ पर आप रहते हो उस जगह पर किस टाइम सन सेटिंग होती है, किस टाइम सन राइजिंग होती है, वो आपको टाइम यहाँ पर लिखना है और किस डेट को आपने ऑब्जर्वेशन किया. और सितंबर मंथ में मैंने किया कब? 1/9/2020 यानी कि 1 सितंबर को. सन राइजिंग कब हुआ? 6:25. एंड सन सेटिंग कब हुआ सेम डे? 6:30 PM. नेक्स्ट माय ऑब्जर्वेशन इन दिसंबर. टाइम ऑफ राइजिंग 7:05 पर सनराइजिंग हुआ और डेट 1/12/2020. एंड सेटिंग टाइम इवनिंग 5:50 PM. डेट 1/12/2020. व्हेन डिड द सन राइज द अर्लीएस्ट? सबसे पहले सनराइज कब हुआ आपको बताना है. तो यहाँ पर सबसे पहले सनराइज कब हुआ? 5:55 AM को
जून मंथ में। और आप सबको पता ही है कि जो गर्मियों का सीज़न होता है, जून मंथ गर्मियों का सीज़न होता है, तो गर्मियों के सीज़न में सुबह जल्दी हो जाती है और सूरज ढलता भी बहुत देर से है। और विंटर सीज़न में क्या होता है कि सूरज उगता भी देर से है और शाम जल्दी हो जाती है। डिटेल टू, नोट द टाइम ऑफ द सनसेट एंड राइज। नोट द टाइम व्हेन द सनसेट एंड सनसेट द लेटेस्ट। तो यहाँ पर आपको डिटेल टू में क्या करना है, नोट द टाइम ऑफ द सनसेट एंड राइज। यहाँ पर सनसेटिंग और राइजिंग टाइम नोट करना, सेम वैसे ही जैसे कि हमने इसके पहले वाले टेबल को फिलअप किया था, सेम वही चीज़ हमको यहाँ पर दोबारा से करनी है। और मंथ भी सेम वही रहेगा, माई ऑब्जर्वेशन जून मंथ, माई ऑब्जर्वेशन इन सेप्टेम्बर, एंड थर्ड नंबर माई ऑब्जर्वेशन इन दिसंबर मंथ। राइजिंग टाइम सेम भी हम कर सकते हैं, आपको अलग से अगर डिटेल लेना है तो अलग से आप डेट चेंज करके भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम ये टेबल तैयार कर सकते हैं। तो इसमें भी राइजिंग टाइम 5:55 AM, डेट 3/6/2020, एंड सेटिंग टाइम 7/20/3/6/2020। माई ऑब्जर्वेशन इन सेप्टेम्बर मंथ, राइजिंग टाइम 6:25 AM, 1/9/2020, एंड सेटिंग टाइम 6:30 PM, डेट 1/9/2020, एंड माई ऑब्जर्वेशन इन दिसंबर मंथ, राइजिंग टाइम 7:05 AM, एंड डेट 1/12/2020, सेटिंग टाइम 5:50 PM, डेट 1/12/2020। अभी आपको देखने में लगेगा कि दोनों टेबल सेम हैं तो अलग हमको ऑब्जर्वेशन क्यों करना है, लेकिन यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है नीचे हम देखेंगे, व्हेन डिड द सन राइज द अर्लीएस्ट। सबसे पहले सन कब निकला था, राइज कब हुआ था, तो यहाँ पर हमें अर्लीएस्ट बताना है। और यहाँ पर हमें क्या बताना है, व्हेन डिड द सन लेट द सनसेट द लेटेस्ट, मतलब सबसे बाद में सन कब अस्त हुआ था। तो सबसे बाद में सन कब अस्त हुआ था, इन द मंथ ऑफ डिसंबर 7:20 PM। ओके, तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। फिर इन द कलर, यहाँ पे कलर फिलअप करना है। माई ऑब्जर्वेशन मंथ सेम रहेगा, जून सेप्टेम्बर एंड दिसंबर। टाइम ऑफ सनराइज इन द मॉर्निंग, आपको उस जगह पर कलर करना है जब सनराइज होता है, तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में अलग अलग एरिया में सनराइजिंग का टाइम अलग होता है। तो आपके एरिया में, आप जिस शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको टाइम ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे कि क्या है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उग जाता है, तो और कई जगह पर क्या है कि देर में उगता है। तो आपको अपनी जगह के हिसाब से यहाँ पर कलर करना है। आपके एरिया में इन तीनों में से जितने बजे सनराइजिंग होता है और सन सेटिंग होता है, वो आपको सन सेटिंग का इधर आपको करना है कलर, और सनराइजिंग का इधर करना है, इन द मंथ ऑफ जून एंड मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड मंथ ऑफ दिसंबर। तो आप क्या देखोगे कि जो जून मंथ में होता है उसमें दिन कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, और दिसंबर मंथ में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। तो ये आपको अपने हिसाब से कलर करना है। डिटेल टू में क्या पूछ रहा है, माय ऑब्जर्वेशन, सेम थिंग यहाँ भी करना है, जून मंथ, सितंबर मंथ एंड दिसंबर मंथ। टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग,
और यहाँ पर हमने डे के बारे में बात की, यहाँ पर हमने डे के बारे में लिखा, सनराइजिंग और सनसेटिंग के बारे में, और यहाँ पर हमें नाइट के बारे में, यही फ़र्क करना है यहाँ पर हमें। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी कलर करना है हमको, नेम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग, सनसेटिंग इवनिंग के टाइम में कब हुई, और टाइम ऑफ सनराइज इन द नेक्स्ट डे, शाम को आपने टाइम नोट कर लिया कितने बजे सनसेटिंग हुई, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको सनराइजिंग के टाइम को यहाँ पर कलर करना है। तो हमने तीनों मंथ में ये चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद हमको बताना है कि जब जून मंथ होगा, गर्मियों के टाइम में क्या होता है, सूरज जल्दी निकल जाता है और सनसेट लेट होता है, तो क्या होता है, नाइट शॉर्ट हो जाती हैं। और विंटर्स में क्या होता है कि सूरज देर से राइज होता है और सनसेटिंग भी जल्दी हो जाती है, तो दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें नाइट के बारे में बताना है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट नाइट लिखेंगे, यहाँ पर लॉन्ग नाइट लिखेंगे। थिंक एंड से, व्हाट डिफरेंसेस कैन बी सीन बिटवीन डिटेल्स वन एंड टू, दोनों जो आपने अभी टेबल फिलअप किए उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा टेबल नंबर वन एंड टू में। डिफरेंसेस बिटवीन डिटेल फर्स्ट एंड सेकेंड शो डेज आर longer in summer while nights are differences between details 1 and 2 show days are longer in summer while nights are longer in winter। गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में रातें बड़ी हो जाती, यही differences हमने देखा। read, friends like sun we cannot see moon every night, जिस तरीके से हमने सन का ऑब्जर्वेशन किया उसी तरीके से, सन के तरीके से ही मून भी हमको रोज नहीं दिखाई देता, एवरी नाइट को हम नहीं देख सकते। मून इज समटाइम्स स्मॉल और बिग इन और इनविजिबल, मून क्या होता है, कभी कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, और कभी कभी हमें दिखाई भी नहीं देता, इनविजिबल हो जाता है। प्रीवियसली ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन 1, 2 and 3 द टाइम ऑफ मून राइज एट नाइट वॉज नोटेड, जैसे कि आपने पहले लिस्ट बनाया उसी तरीके से रात को मून कब राइज होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। Keeping this in mind, prepare a note on below given details, आपको यहाँ पर डिटेल भरना है रात के टाइम का और बताना है, डिफरेंसेस बताना है टेबल वन और टेबल टू एंड टेबल थ्री, इसको फिलअप करके और डिफरेंसेस बताना है। Count and find solution, when the days are long, जब दिन लंबे होते हैं, what type of clothes do we wear, why, किस तरीके के कपड़े हमें पहनने चाहिए, हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं और क्यों। when days are long we wear clothes, cotton clothes to keep ourselves cool, जब दिन लंबे होते हैं तो क्या होता है, वो समर सीजन होता है, तो हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। When the days are long, जब दिन लंबे होते हैं, what type of clothes we do not wear, when days are long we do not wear woolen clothes to let sweat evaporate easily, when the days are short what kind of clothes do we wear, days are short in winter, the weather is cool in the season and hence we wear thick and warm clothes, example sweater, jacket and muffler etc. When the days are short which clothes we should not wear,
we should not wear the cotton clothes when the days are short. What type of clothes do we wear in September? Why? September is the month of rainy season. It rains September, hence we wear clothes that protect us from rain, like raincoat, cap, etc. People use umbrella in this month. Which type of clothes can be worn in all season? Pant, shirt, t-shirt, lehenga, etc. can be worn in all season. See, write and understand. Dekho, likho aur samjho. Serial number idhar likhna hai. 1, 2, 3. Details. Details mein kya dena hame? Name of vegetable aur observation. Same, wahi 3 mahine. June, September and December month ke hi observation hame karna hai. Yahan par kya karna hai hame observation mein? Name of vegetables noted in the table. तो यहाँ पर हमको बताना है कि जून मंथ में कौन कौन सी सब्जियाँ हम खा सकते हैं, कौन सी सब्जियाँ सीज़न में आती हैं, और सितंबर मंथ में कौन सी सब्जियाँ सीज़न में आती हैं, और दिसंबर मंथ में कौन सी सब्जियाँ सीज़न में आनी शुरू हो जाती हैं. लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज हैं हमारे देश में, और जो वेजिटेबल्स होते हैं कोल्ड स्टोरेज में रख दिए जाते हैं, और हर सीज़न में सारी सब्जियां आजकल मिलती हैं, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें क्लासिफाई करना कि किस सीज़न में कौन सी सब्जी आती है. तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन करना है और लिखना है. सेकेंड थिंग, नेम ऑफ वेजिटेबल कॉमन इन ऑल 3 टेबल्स. जो आपने यहाँ पर तीनों मंथ में वेजिटेबल्स लिखे, ये आपको यहाँ पर बताना है कि तीनों में से कॉमन हर सीज़न में कौन सी सब्जियां मिलती हैं. नेम ऑफ वेजिटेबल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टेबल. और जो डिफरेंट सब्जियां मिलती हैं उनके नाम यहां पर तीनों सीज़न के लिखने हैं. तो ये आप अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हो. यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया है. इन जून मंथ क्या ऑब्जर्वेशन किया मैंने? बॉटल गार्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, कुकुम्बर और पॉइंटेड गार्ड. इन द सेप्टेम्बर मंथ स्पाइनी गार्ड, बिटर गार्ड, पोटैटो, ब्रिंजल, बॉटल गार्ड. इन द डिसम्बर मंथ कैरेट, कैबेज, पीस, पोटैटो, ब्रिंजल, बॉटल गार्ड. नेम ऑफ वेजिटेबल कॉमन इन ऑल 3 टेबल्स. तीनों टेबल में कॉमन क्या हैं? बॉटल गार्ड, पोटैटो एंड ब्रिंजल. सेम थिंग यहाँ भी हम लिखेंगे, बॉटल गार्ड, पोटैटो, ब्रिंजल. और सेम थिंग यहाँ भी हम लिखेंगे, बॉटल गार्ड, पोटैटो एंड ब्रिंजल. ये 3 वेजिटेबल्स हैं जो कि तीनों सीजन में कॉमन हैं. यहाँ पर हम बताएंगे नेम ऑफ वेजिटेबल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टेबल. कौन सी सब्जियाँ अलग हैं? पॉइंटेड गार्ड, स्वीट पोटैटो और कुकुम्बर, बिटर गार्ड, स्पाइनी गार्ड, कैरट, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर. तो ये आपको बिल्कुल अपने हिसाब से करना है. टेबल को अपने हिसाब से आपको अपने ऑब्जर्वेशन पे फिलअप करना है. नेक्स्ट रीड. इन टूडेज मॉडर्न टाइम ड्यू टू द यूजेस ऑफ कोल्ड स्टोरेज साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव्ड सीड्स मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. आज के मॉडर्न टाइम में क्या हो गया है कि कोल्ड स्टोरेज के यूज से साइंटिफिक एग्रीकल्चर और साइंटिफिक एग्रीकल्चर जो है वो इतना तरक्की कर चुका है और सीड इम्प्रूव कर लिए गए हैं. इस वजह से जो मोस्ट वेजिटेबल्स होते हैं ये सभी सीजन में मिल जाते हैं. ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफरेंटिएट वेजिटेबल ऑन द बेसिस ऑफ विंटर, समर एंड मॉनसून. तो इसी कारण से आज की डेट में हम डिफरेंस करना हमारे लिए मुश्किल हो गया. तीनों सीजन में सब्जियां कौन कौन सी अलग अलग आती हैं.
डिस्कशन। क्या डिस्कस करना है हमें? ये हम पिक्चर जब देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हम क्या देख रहे हैं? सन में दो बच्चे बैठे हैं, सन की धूप में और सूरज की धूप में बैठे हुए हैं। सूरज की धूप कब हमें अच्छी लगती है? जब सर्दियां होती हैं, विंटर सीजन में। तो यहाँ पर आग जला करके बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी हम विंटर सीजन में करते हैं। यहाँ पर ये दो बच्चे अच्छे से वूलन क्लॉथ्स पहन करके बैठे हुए हैं। हमें क्या बताना है? सीज़न कौन सा है? विंटर। तो इसके बारे में हमें कुछ बातें लिखनी हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। विंटर सीजन कम आफ्टर रेनी सीजन, वेदर रिमेन कोल्ड, पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स एंड पीपल लाइक ड्रिंक हॉट टी एंड कॉफी। इस पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं? हमें पानी में रहना, खेलना कब पसंद आता है? विंटर में तो नहीं आ सकता, ये तो हमको समर सीजन में ही अच्छा लगता है। और सूरज की धूप हमें कब नहीं पसंद होती है? समर सीजन में। तो ये हमने देखा कि ये कौन सा सीजन दिखा रहा है, समर सीजन। समर सीजन इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, द सन शाइन्स ब्राइटली एंड राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग। इस पिक्चर को देख करके हम क्या समझ सकते हैं? सबका फेवरेट है रेनी सीजन, सबको बारिश में भीगने में बहुत मज़ा आता है। और तो हम इसको बता सकते हैं कि मॉनसून सीजन है, क्योंकि इस बच्चे ने रेनकोट पहन रखा है, इस गुड़िया ने अम्ब्रेला ले रखा है और बारिश हो रही है। रेनी सीजन कम्स आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट समर, इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम हीट एंड मेक्स द एनवायरमेंट कूलर एंड प्लीजेंट। टुडे ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन एनवायरमेंट इज हार्म्ड, अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट को बहुत क्षति पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, अपार्ट फ्रॉम मानसून रेनफॉल, अपार्ट फ्रॉम मानसून यानी कि मानसून के अलावा रेनफॉल्स इन अदर सीजन टू, क्योंकि एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है पॉल्यूशन की वजह से, इस वजह से मानसून सीजन के अलावा भी दूसरे सीजन में भी रेनफॉल अक्सर हो जाता है। इट इज ट्रू ऑन 21 जून, द डे इन लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट। 21 जून को डे क्या होता है? सबसे बड़ा होता है और नाइट सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर हैज़ द ईयर्स शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। 22 दिसंबर जो होता है वो साल का सबसे छोटा दिन और लंबी रात होती है। 20 मार्च एंड 23 सितंबर हैव इक्वल डे एंड नाइट। जो 20 मार्च और 23 सितंबर होता है, 20 मार्च और 23 सितंबर होता है, उस दिन दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। डिस्कस। इंसिडेंस ऑफ डिजीज इंक्रीज इन द पर्टिकुलर टाइम फेज, किस टाइम में बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं? तो जहां तक हम लोग जानते हैं कि मानसून के टाइम में ही बीमारियां ज़्यादा होती हैं। वाटर लॉगिंग इज क्वाइट कॉमन टू ब्रिंग द सॉरी ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन एंड दस मॉस्किटोज आर क्वाइट अ प्रॉब्लम। मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स प्लेड इन डिफरेंट सीजन, एक लिस्ट बनाना है आपको अलग अलग सीजन में जो हम गेम खेलते हैं। तो ये ऑन आंसर करना है, सर्दियों में क्या होता है, हमें धूप में खेलना ज़्यादा पसंद आता है, और बरसातों में हम क्या करते हैं, घर के अंदर ही खेलते हैं, और समर सीज़न में भी हम ज़्यादातर घर के अंदर ही खेलते हैं। तो
अपने हिसाब से आपको यहाँ पर गेम लिखना है। तो जैसे कि मैंने लिखा है, समर में फुटबॉल हॉकी, विंटर में म्यूजिकल चेयर और मॉनसून में कैरम एंड लूडो। फाइंड द रीज़न फॉर डे एंड नाइट बींग लॉन्गर और शॉर्टर। अर्थ एक्सिस टिल्टेड, दस द हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन हैज लॉन्गर डे, वाइल द हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन हैज शॉर्टर डेज। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।